हरि। श्री वृंदावन, 22 अगस्त 1929। परम कल्याण वरेसु, मुझे आपका पत्र मिला है, मेरे आशीर्वाद जानो। आपने लिखा, क्या तैलंग स्वामी और काठिया बाबा की कृपा सब विफल हो जाएगी? इस तरह लिखने का उद्देश्य क्या है? इसे असंतुष्ट तीजनष्टा शब्दों में कहा गया है। आपको सनातन भगवत के नाम से नसीहत दी गई है, आपको भगवान के हवाले कर दिया गया है, तुम उसके दास हो गए हो, और क्या चाहते हो? आपका शरीर और मन बहु जन्म पापों से भरा हुआ है, ऐसी सभी गतिविधियां जारी रहेगी, सुख दुख के प्रवाह से ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुम परमेश्वर की दास बन गए हो, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहने के लिए बाध्य है। संतोष के साथ उसकी और उसके प्राणियों की सेवा करें। जब कोई व्यक्ति आता है तो क्या उसमें निहित सभी धर्म एक ही बार में बदल जाता है? संक्रामक रोग के बीच शरीर में प्रवेश करता है और समय के साथ शरीर को नष्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे कार्य करता है। आध्यात्मिक बीज भी इस तरह से प्रवेश करता है और धीरे धीरे कार्य करता है। व्यस्त नहीं होना है। लोग जितनी चिंता करते हैं, फल उतनी ही देर से आता है। ऋषियों ने यही उल्लेख किया है। विश्वास करें, भगवत गीता को ईमानदारी से दोहराए, इसमें गलती ना करें, और भगवत दास बुद्धि में उनकी सेवा के लिए सभी सांसारिक कर्म करें। अगर ऐसा है तो ये एक उपलब्धि की तरह होगा। चिंता मत करो, आपने जो भी सपने देखे हैं, वो सभी अच्छे हैं। भगवान ने ये सब आपका अपना के कल्याण के लिए ही किया है। वो सर्वशक्तिमान है, ये जानना ही काफी है, इसमें ही मंगल है। इति आशीर्वाद के साथ श्री संतदास।